जिसका था हमें इंतजार, आखिर वो दिन आ ही गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला जो कि खेला जाएगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। आज का दिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि हमेशा से ही जब जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है हमें क्रिकेट फैंस के बीच में जोश जुनून देखने को मिलता है। और आज का मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है जिसमें करीब 1,30,000 से ज्यादा का क्राउड होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा मजा आने वाला है आज के मैच में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की बात की जाए तो इंडिया का पलड़ा हमेशा से ही पाकिस्तान पर भारी रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने 7 बार आ चुके हैं और 7 बार इंडिया ही पाकिस्तान पर हावी रही है और इस बार 8 का वेट है। इंडिया का पलड़ा इसलिए भारी नजर आ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने भिड़े जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को 228 रनों से मात दी। बता दें कि इंडिया के सभी बल्लेबाज अपने बेस्ट फॉर्म में आ गए हैं, वहीं पाकिस्तान के बाबर आजम लगातार फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी की बात की जाए तो बीते कुछ दिनों से इंडिया पावर प्ले में लगातार विकेट चटका रही है, वहीं पाकिस्तान के शाहीन और हारिस को नई गेंद से कुछ खास मदद नहीं मिल पा रहा है। इंडिया के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि शुभमन गिल वापस आ गए हैं क्योंकि अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से पूछा गया कि क्या कल के मैच में शुभमन गिल हमें खेलते हुए नजर आएंगे, तो रोहित शर्मा ने क्लियर कर दिया कि 99% चांस है कि कल के मैच में हमें शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल का रिकॉर्ड देखा जाए तो अहमदाबाद में बहुत ही अच्छा रहा है, इनकी लगातार अच्छी फॉर्म की वजह से अभी ये कल ही प्लेयर ऑफ द मंथ भी बने हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी खबर पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।